हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आए हैं एक नए वीडियो के साथ एंड नए फोटो के साथ, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। एंड वीडियो के एंड तक बने रहना। एंड इसमें बताने वाला हूँ किस तरह से मैंने इसमें बल्ब लगाया एंड लाइट किस तरह से शो किया है। काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। एंड इसमें कुछ टिप्स भी बताने वाला हूँ। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो जान नहीं पाओगे क्योंकि मैंने किस तरह से बनाया है। एंड काफ़ी मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। एंड ज़्यादा चलिए फोटो को एडिटिंग करते हैं। तो एडिटिंग करने के लिए सिंपली पहले हमको स्नैपसीड में जाना है, तो स्नैपसीड से ही करेंगे हम फोटो एडिटिंग। तो चलिए पहले स्नैपसीड में चलते हैं। तो सिंपली गाइज, आपको फोटो एडिटिंग करने के लिए आपको पहले टूल्स पे ऑप्शन पे क्लिक करके आपको ट्यून इमेज पे जाना है। ट्यून इमेज पे जाकर आपको ब्राइट को थोड़ा सा बढ़ाकर एंड कंट्रास्ट को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे एंड सेचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज़ करके एम्बियंस को इसको माइनस कर देंगे। इतना करने के बाद आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप देख सकते हो बिफोर आफ्टर। उसके बाद आपको फिर से उसी ट्यून इमेज में जाकर यहाँ से सेचुरेशन को पूरा माइनस कर देना है एंड यहाँ से सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको यहाँ ऊपर कॉपी वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आपको व्यू एडिट में जाना है। व्यू एडिट में जाने के बाद आपको यहाँ से इरेज कर लेना है, जो कि मैं बताता हूँ करके। इस तरह से आपको कर लेना है। तो चलिए हम कर लेते हैं। तो सिंपली आपको इस प्रकार से कर लेना है एंड इतना करने के बाद यहाँ से डन कर देना है। डन करने के बाद आपको यहाँ से बैक होकर फिर से उसी टून इमेज में जाना है। तो इसमें आने के बाद आपको सबसे नीचे वेंथ में जाकर इसको थोड़ा सा माइनस कर देंगे एंड माइनस करने के बाद आप देख सकते हो मेरा बैकग्राउंड ब्लू हो गया है। एंड इतना करने के बाद आपको यहाँ से शैडो पे जाकर माइनस करके आपको हाईलाइट में जाकर इसको माइनस कर देंगे एंड इसमें जाकर इसको भी माइनस करके सेचुरेशन को थोड़ा सा हाई कर देंगे एंड कंट्रास्ट को थोड़ा सा हाई इसको भी कर देंगे। एंड उसके बाद यहाँ से ब्राइटनेस को थोड़ा सा माइनस करके यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फिर से फेस को इरेज कर लेंगे, जो कि मेरा फेस साफ हो जाए। इस प्रकार से कर लेंगे। तो इस प्रकार से कर लेंगे एंड इतना करने के बाद आपको यहाँ से सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है। एंड उसके बाद आपको करना है, इसमें जाकर सिलेक्टिव वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ से इसका ब्राइटनेस बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद आपको यहाँ से कंट्रास्ट में जाकर माइनस करके सेचुरेशन को थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे एंड स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इसको भी बढ़ा देंगे। उसके बाद यहाँ से सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको फिर से यहाँ ट्यून इमेज में जाकर यहाँ से माइनस कर देंगे इसको। इसको इतना माइनस करके यहाँ से सेव कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ से जाना है स्केचबुक में। तो चलिए स्केचबुक में चलते हैं। तो स्केचबुक में आने के बाद आपको करना क्या, ऊपर पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको ये वाला ब्रश ले लेना है एंड उसके बाद आपको यहाँ से सेटिंग इस प्रकार कर लेना है। आप लोग देख लो, इस प्रकार से कर लेना है एंड उसके बाद यहाँ से इस प्रकार से वाइट कर लेंगे फेस को। इस प्रकार से करने के बाद आपको यहाँ से फिर से ब्रश पे जाना है एंड उसके बाद लाइब्रेरी में जाना है। लाइब्रेरी में जाने के बाद यहाँ से सेटिंग ले लेना है स्मूथ ब्रश का एंड उसके बाद इस प्रकार से स्मूथ कर लेना है। तो चलिए स्मूथ, तो आप देख सकते हो हमने स्मूथ कर लिया है एंड ये तो हो गया मेरा फ़ोटो एडिटिंग। एंड बैकग्राउंड भी अंधेरा टाइप का हो गया है, जो कि नाइट बैकग्राउंड कहते हैं। इतना करने के बाद आपको यहाँ से फिर से ब्रश पे जाना है एंड यहाँ से ऊपर स्क्रॉल करके यहाँ से उसी ब्रश में जाकर इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर देंगे एंड यहाँ से इसको इस प्रकार से कर देंगे। इस प्रकार से अगर आपसे गलती हो जाए तो यहाँ से इस बार तीर पे दो तीन बार टैप करना, इस प्रकार से हो जाएगा। इसका साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेंगे एंड इस प्रकार से कर लेंगे। इस प्रकार से कर लेने के बाद आपको यहाँ से डन कर लेना है। डन करके यहाँ से आपको सेव कर लेना है। सेव करके आपको यहाँ से सीधा जाना है कहाँ, तो यहाँ से सीधा स्नैपसीड में जाना है। तो चलिए स्नैपसीड में चलते हैं।
तो स्नैपसीड में आने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ से टूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको डबल एक्सपोजर में जाकर यहाँ से आपको PNG ले लेना है, कोई लाइट वगैरह PNG, तो वो ले लेते हैं हम। तो हमने उस लाइट को भी लगा दिया है जो कि डाउनलोड आपको कर लेना है, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका लाइट दे दूंगा। एंड यहाँ से हमने इसको लगा लिया है, एंड उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ से टूल्स में जाकर आपको एक सिलेक्टिव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से फेस पे यहाँ पे लगा लेंगे। एंड इसके बाद इस पर टैप करके यहाँ से छोटा कर देंगे, एंड उसके बाद यहाँ से इसको माइनस थोड़ा कर देंगे, एंड कंट्रास्ट को थोड़ा हाई कर देंगे, एंड उसके बाद सेचुरेशन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, एंड स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। एंड आप देख सकते हो कितना खतरनाक लग रहा है। एंड जो भी आप अगर फोटो एडिटिंग करते हो तो यहाँ पे आप लोगो भी लगा सकते हो यहाँ पे, तो लगा लेना जो कि मैंने इस वीडियो में दिखा दिया। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ से बिगनेट को बढ़ा लेना है, इस प्रकार से कर लेना है। अब आप देख सकते हो कितना खतरनाक हो गया है, तो आप कितना ब्रांडेड फोटो लग रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना, जो कि काफ़ी मज़ा आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय।